Allahu Ekber. Bir. Allahu Ekber. İki. Allahu Ekber. Elimizi bağladık. Fatiha'mızı arkasında. Arkadaşlar tamam mıyız? Arkadan ses gelsin. Tamam, yerleştik. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Allahu Ekber. राजी ईद मुबारक कर दो, आप ऊपर गिर गए हो। दिल की गहराइयों से अहले पाकिस्तान को, अहले इंस ग्रुप को और अहले आलम को, तमाम को ईद मुबारक, आलमे इस्लाम को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। भाई कैसे हैं सब लोग, एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और यार सबसे पहले सबको ईद मुबारक फ्रॉम ऑस्ट्रिया, बिकॉज अभी ऑस्ट्रिया में ईद है, पाकिस्तान में ईद नहीं है। और यार यकीन करो, इतनी तेज़ तैयारी ईद के लिए लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ। और वो क्यों, 6 बजे तक भाई मेरी शिफ्ट थी, और यकीन करो वहीं पे मैंने शॉवर लिया, कोई दाढ़ी दूड़ी सेट नहीं कर सके, और वहाँ से मैं भागा। और मुझे ये पता चला, नॉर्मली जो भी सीनियर यहाँ पे हमसे पहले आए हुए लड़के हैं, उन्होंने हमें ये बताया हुआ कि भाई जान जो यहाँ पर ईद की नमाज़ें हैं ना, वो तकरीबन 2 लाजमी होती हैं और कभी कभी 3 भी होती हैं। मैंने कहा वेल एंड गुड है फिर तो आराम से। उन्होंने कहा 7 बजे भी होती है, फिर उसके बाद 8 बजे लेट वाली होती है, तो जो लोग नहीं पहुंच सकते वो 8 बजे भी जाके पढ़ सकते। मैंने कहा चलो यार ये तो गुड है, मैं आराम से 6 बजे फ्री होके तो तैयारी शरी करके पहुंच जाऊंगा। वापसी पे जब मैं आ रहा था तो मैंने कहा यार चलो मैं मस्जिद में होके पता कर लेता हूँ कि भाई जान कब जो है नमाज़ होनी है। तो वो सिर्फ एक ही नमाज़ का लिखा हुआ था, और वो थी 6:52 पर। और मैंने 6 बजे वहाँ से फ्री होके वापस भी आना था, कपड़े हर चीज़ करके फिर वापस पहुंचना है। तो सीन ये है कि अभी भाईजान मैं हूँ जल्दी में, अभी भी थोड़ा टाइम मैं ले चुका हूँ, भाग के जाता हूँ और जल्दी से पहुँचता हूँ मस्जिद। और मेरा ये दिल था कि यार आपको मैं लाजमी जो है ना ये मोमेंट्स दिखा सकूँ कि यार क्या है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो आपको भी एक्सपीरियंस करवाता हूँ। तो सीधा पहुँचता हूँ जल्दी जल्दी, अपना जो है वो घोड़ा रेडी है और निकलते हैं दस्ती, क्योंकि इस टाइम जो टाइम हो रहा है 6:24, और पूरे 6 बजे उधर से निकला हूँ। और यकीन करो ये देखो रेडी होके 24 मिनट तक आपसे थोड़ी सी बातें भी करनी और रेडी हैं, और अभी मैं तकरीबन 10 मिनट से भी पहले पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। तो फिर देख लें, परदेश में ईद है, यहाँ पे दौड़ें लगी हुई हैं हमारी ईद पढ़ने के लिए भी, क्योंकि फिर नहीं पता कि पढ़ सकेंगे कि नहीं। और जो ईद की जो नमाज़ है वो मैं पढ़ूँगा वही तुर्किश मॉस्क में, और वो जो छोटी मस्जिद थी मैंने जो व्लॉग बनाया था इफ्तारी वाला वहीं पे। आपस की बात है, 3 सिग्नल आते हुए तोड़े हैं और ये पहला एक मैंने तोड़ दिया, शुक्र पढ़ो फुल सा कोई नहीं था यहाँ पे। देखते हैं और कितने तोड़ते हैं, चलान ही ना ठुक जाए ईद पढ़ने के लिए। हाय हाय ये सिग्नल भी बंद है, चलो थोड़ी देर तो रुक ही जाते हैं। बाकी यार सीन ये है कि कोई गैदरिंग का भी प्लान है, और हमारा ये सीन है कि हमने डिवाइड की हुई है कि कौन क्या बना के लाएगा। तो भाई अपने पे या तो स्वीट डिश आ जाएगी या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ जाएगी। मेरे ख्याल में कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएँ वो ज़्यादा बेहतर है ना, ईद ही रहेगा बस वो ले के पहुँच जाएंगे। तो सबको भाई तहे दिल से ऑस्ट्रिया की जानिब से, पूरे पाकिस्तान, पूरे अहले इस्लाम को भाई ईद मुबारक। आई विश कि भाई सब की ईद अच्छी गुजरे, अपने प्यारों के साथ गुजरे, और अच्छे से ईद मनाओ, और उसके अलावा दुआएं बहुत ज़्यादा करो, और हमारे लिए भी दुआ करना। और भाई आपका भाग रहा है भाई जल्दी जल्दी, वैसे तो मैं करीब हूँ, वैसे इतना दूर नहीं हूँ। जिन लोगों को प्रॉपर टाइम मिल गया था ना रेडी होने का, मुझे उम्मीद है मैं उनसे भी पहले पहुंच जाऊंगा। तो देखते हैं कौन पहले आता है, कोशिश ये होगी कि यार जगह जो है ना मैं जगह जल्दी ले लें, क्योंकि आई नो रश बहुत होगा और लोग बहुत आएंगे, तो इसीलिए पूरी पूरी कोशिश होगी कि भाई जल्दी पहुंच जाए हम लोग।
ताकि जगह मिल जाए हमें मस्जिद में। बाकी नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद में जो जो होता रहेगा आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और होपफुली ये वीडियो मेरी कल आएगी जब पाकिस्तान में ईद होगी। अभी तो पाकिस्तान में आखिरी यानी कि 30वां रोज़ा चल रहा है, तो पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एडिट करके आज अपलोड ना करूं, कल करूं। قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ईद मुबारक अली आपको भी खैर मुबारक। और कोई रह गया हमारे बंदे? यार तो नहीं गया। असद 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 रह गया। हम भी ऐसे ना मिले, कोई नया स्टाइल क्या वालेकुम सलाम जी मुबारक। शुक्र है ये कैमरा मैन आज हमारा एक बना हुआ है नया माशाल्लाह। भाई इधर भी लोग ईद जो है ना मना रहे हैं, फोटो सेशन आवाम के चल रहे हैं। तो यार अपने जिम्मे आई है भाई जान सज्जी, और सज्जी के लिए मैंने ना दो फुल चिकन ले लिए थे और उनको फिर मैंने हाफ अप करके मैरिनेट करके रख दिया था 3-4 घंटे के लिए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी है, मैं 1-2 पैक कर चुका हूँ और ये 2 रहते हैं। तो इनको पैक करते हैं, हमारी जैसे कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी गैदरिंग है और सब ने फिर डिवाइड किया हो कि चलो जी कोई क्या बना के ले आए तो कोई क्या। तो हमारे जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने कहा है कि आप अगर ये ला सकते हो तो ये ले आओ, या कोई स्वीट डिश, वो भी एक ऑप्शन था। तो खैर फिर स्वीट डिश ईजी होती है तो काफ़ी लोगों ने शायद बना ली, तो हमारे जिम्मे ये चीज़ लग गई बनाई है। उम्मीद है अच्छी बनी होगी, मैंने थोड़ी बहुत चेक तो की है और इन्होंने कहा था स्पाइसी हो, तो मैंने सही दबा के मसाले लगाए हैं इसको। तो चलो इसको पैक मारते हैं और निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हूँ, फिर मैंने जो है ना चेंज भी करना है। अभी मैं निकलने लगा और सच्ची ये मैंने पैक की हुई है और तकरीबन कोई 5 किलोमीटर का यार फासला है। अब रोला ये है कि वहाँ पे थोड़ी चढ़ाई भी है और मैंने जाना है अपने ही बाई साइकिल पे एज यूजुअल। लेट्स सी कैसी जर्नी रहती है और वहाँ पे जाके दिखाते हैं आपको, कम्युनिटी से मिलवाते हैं अगर तो वो कैमराज में आना चाहेंगे तो मिलते हैं वहीं पर, और अगर मैं दिखा सका तो आपको रास्ते में जर्नी भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह। धूप निकली है और गर्मी फील हो रही है, सही क्रिस्टल क्लियर। बाइकर्स घूम रहे हैं भाई, ये सारे एडवेंचर बाइक लेके जा रहे हैं। ओके तो भाई ये है एयरपोर्ट जिसको फ्लुगाफन बोलते हैं। एयरपोर्ट साइड वैसे जगह ये भी खूबसूरत है, मैं वैसे पहले भी बहुत बार आया हूँ इधर बट अंदर नहीं गया एयरपोर्ट के। सो और यार
सनी डे बड़ा मज़े का, लेकिन धूप यार चुभ रही है। एयरप्लेन सारी एयरप्लेन मोड पे खड़े हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही तो थोड़ी डस्ट है इधर। ये यहाँ पे मुझे तो प्याज लग रहा है या लहसुन है, ये देख रहे हैं। यार इतना ग्रीन एयरपोर्ट यार लेवल। यार ये पहाड़ ना ऐसे फील हो रहे हैं कि बंदा इनके करीब जाता जा रहा है और ये ना भागते जा रहे हैं आपसे, ऐसा ही सीन है। लाइक वो फील नहीं होता जैसे जैसे फील होता है ना कि वो मोबाइल के ऊपर बहुत अच्छा कोई 3D वॉलपेपर हो और आप उसको स्क्रॉल करते हो तो वो भागता है आपसे, तो ये वैसे ही भाग रहे हैं। यार पता नहीं कौन सी दुनिया की लोकेशन भेज दी है, और ऐसा कुछ सीन है ना कि फील हो रहा है जैसे फुल मरी और कश्मीर वाली वाइब दो ना। ये रोड भी इसी तरह है, ये वाला जो जा रहा है ऐसे, मतलब प्रॉपर चढ़ाई की तरफ जाते ही जाता है ऊपर जो बड़े पहाड़ हैं इनकी तरफ। अब सीन ये है कि यार पता नहीं ये लोकेशन भेजी थी और जिस बंदे ने भेजी अभी खुद भी वो यहाँ पे नहीं पहुँचा, और वो कह रहा है कि 5 मिनट 2 मैं पहुँचता हूँ तो फिर देखते हैं। अब कह रहा था यहाँ पे पार्क है, मैंने कहा यार पार्क में ही जाना था तो फिर मेरी तरफ और पार्क है वहाँ पर चले जाते। बहरहाल वो जो वडेरे हैं उन्होंने डिसाइड किए हुए जो PhD वाले जहाँ पे लोग हैं और पुराने हैं, तो आई थिंक तैयब साहब उनका ये वेन्यू है, उन्होंने जो है वो डिसाइड किया था। आई एम नॉट श्योर बट उनसे मिल के पता चल जाएगा। और मेरे तो भाई पसीने छूट गए क्योंकि चढ़ाई थी, और बस वाला ऑप्शन ठीक था, इससे बेहतर था मैं वेट कर रहा था। मैं समझ रहा था सारे मेरा ही वेट कर रहे होंगे, लेकिन मैं उनसे पहले पहुँचा हूँ, वो ऑलरेडी पहुँच रहे हैं, तो उससे बेहतर था कि वही बस पर आ जाता, बस के ही वेट कर लेता। मैंने कहा टाइम पर निकलूँ, खैर एफर्ट हमने लगा ली, ये खड़ा है और ये भाई अपना सामान भी खड़ा है और हम खड़े हैं यहाँ पे। फिलहाल तो एक ही कोई बंदा मुझे नज़र आया यहाँ पे जो गुजरा है अभी तक। फिर ये है कि भाई हाँ राजा जी वो खोली है आपने, मैं नहीं मिलता भाई क्या ख्याल है, फिर अच्छी बनी है सर जी, रिव्यूज तो अच्छे दे दो। दूसरी कौन सी है, अटैक अटैक। यार एक मेरे लिए उठाओ, मेरे हाथ उड़े हुए हैं, बड़ा लेवल का केक है, उठाओ ना। ये चम्मच नीचे डालो, नीचे वाला वो ये ले। थैंक यू, फाइनली यू मेड इट। डॉक्टर साहब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना।
ईद पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत अच्छा व्यू आ रहा है तो हम चाहते हैं ये क्लिप मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा हूं, मेरी फैमिली के लिए, मेरा अपनी फैमिली के लिए मैसेज है, आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू अ लॉट, मेरी खुशियां आपके बगैर दूर नहीं है। इंसब्रुक से तमाम अहबाब को बहुत बहुत ईद मुबारक, हम सबको अपने दिली खुशियों में याद रखिए और अब बहुत बहुत शुक्रिया। लेट कमर की तो हम स्पेशल बनाएंगे ना वीडियो, अब खाओ शाबाश। यार अब गए साथ थे तो फिर आपको देर कैसे हुई, उनके साथ ही नहीं गए थे? और ऐसा आ रहे पहले पिक्चर दूसरी देख कैसे बनाई है, जैसे हम लोग आए और पीछे ये कहीं का नाइस फोटो सेशन है मैं पे लग गई है। चुको चुको कोट चुको कोट चुको कोट हां जी चुको कोट चलो गल रोए बॉर्डर नहीं करा दी समझ नहीं आई उन्होंने आया कि मैं एकदम उधर तो आना है मैं आके रखने रख क्या पता, लेकिन ये है कि खाने पीने का बहुत काम है तो क्योंकि ओहो दिया और आपके पास नहीं है दो ओके तो फिर आपने वो दोपट तो उठाने होंगे दो उठाने अगर दो है तो फिर अगले ने उठाएंगे ये ले ओए हो स्पेशल क्रेडिट टू अली रजा जिसने सबसे ज़्यादा खाया आज अल्हम्दुलिल्लाह। उधर जाके थोड़ा बर्न भी कर देना उधर ठीक नहीं है मेरी बारी आठ चल दिया मैं मुझे चलना था लेकिन आठ की स्किप हो गई पास में या तो आठ से नहीं या फिर तो मेरे पास नौ से तीन मैच होंगे ये देखें गायें वगैरह ब्यूटीफुल। हमारी तरफ एयरपोर्ट के आसपास गंदगी होती है, इधर देखो इतनी साफ सुथरी जगह पे जो है ना ये गायें वगैरह जो चल रही हैं। और ये एयरपोर्ट है, ये इसकी बाड़ है जो ग्रिल है। इधर भाई लेक आ गई जो मेन लेक है इंसब्रुक की, ये सही जगह पार किया किसी ने टायर को बड़े अच्छा। ये वो जगह है वो स्विमिंग वाली जगह बनी हुई है, हाँ ये बीच चीज बने हुए हैं, गर्मियों में यहाँ पे माहौल होगा इधर आना। अगर रोजे अपने सारे लौट दें बराबर हो जाएंगे सिस्टम। ये वैसे कैंपिंग भी हो सकती है यार ये लोग, हाँ ये कैंपिंग भी हो रही है देखो, कैंपिंग और फायर समर आ जाए तो समर में तो आएंगे इंशाल्लाह। ये भाई नए आए हैं और ये भी मियाँ वाली से हैं। और दूसरी चीज़ भाई को भाई बड़ा अच्छा है, एक साइकिल डोनेट हुआ है और गिफ्ट हुआ है। अच्छा गिफ्ट या डोनेट एक ही चीज़ है यहाँ पे, ओके ओके अच्छा गिफ्ट हुआ। लेकिन ये गिफ्ट जो दिए देने वाला था वो फिर बड़ा कंजूस था ना, फिर उसने ये नहीं देखा अभी मैं बहुत छोटा साइकिल दे रहा हूँ क्यों एज 15 साल है तुम्हारी, एज बाकी मेरी काम है। अच्छा कोई नहीं फ्री वाले साइकिल मिल जाते हैं मैं आपको ढूंढ दूंगा, फ्री वाला ना मिला तो फिर मेरा जो है वो फॉर सेल है ना। फिर इसकी प्राइस बताएं यार, इसकी प्राइस जो है ना वो कैमरे के सामने हम डिस्कस नहीं करते, ये आप पाकिस्तानी प्राइस में बताइएगा। ना मैं आपको रियल प्राइस जितने में मैंने लिया तो उतना ही बताऊंगा और फिर आपको देने वाली प्राइस में मैं नहीं और देने वाली प्राइस भी आपको बताऊंगा ठीक है। अच्छा वो अलग से, हाँ यार आगे से आवाज़ चल रही है। टेक ऑफ की तैयारी कर रहा है, ओ राजा जी जा रहे हैं। तो भाई ये था आज का वीलॉग और आई होप आपको पसंद आया होगा। और अभी जब ये मैं वीलॉग एंड कर रहा हूँ तो हमारे पास ईद का पहला दिन एंड हो रहा है और पाकिस्तान में इंशाल्लाह कल ईद होगी। सो आई विश यू ऑल हैप्पी ईद, दो में याद रखना और अच्छे अच्छे से ईद मनाओ, फैमिली से दूर रह के ईद मनाना। आई नो यार काफ़ी जो है वो
मुश्किल है बट अच्छा फील हुआ बहुत ज़्यादा। पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक वो अपनाइत जो है ना, वो अपनाइत फील हुई, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और गैदरिंग हो गई तो बहुत बहुत मज़ा आया। तो और फोटो सेशन हुए हमारे, गप्पे छप्पे हुई, खाना भी ना ठीक ठाक हुआ। तो मिलते हैं भाई इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज यूजुअल। मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।